अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीना का किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आपको कुछ कुछ अंदाजा तो हो ही गया होगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो जी, आज हम बना रहे हैं लदीदा का रबड़ी फालूदा, बहुत ही मजे का और बहुत ही कम वक्त में बनकर तैयार होता है। बच्चों का तो मोस्ट फेवरेट होता है, तो आप बच्चों को इफ्तारी में बनाकर दें। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो ये हम इसमें दो तरह की जेली हम यूज करेंगे, एक हमने ली है स्ट्रॉबेरी जेली और एक हमने ली है बनाना जेली ग्रीन कलर की। तो हम ये दो जेलियां इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसे बनाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम दूध को बॉईल कर लेते हैं। यहाँ हमने 1 लीटर दूध लिया है, तो इसे हम बॉईल होने देते हैं और तब तक हम दूसरे चूल्हे पर अपनी जेली तैयार कर लेते हैं। तो जी, जेली बनाने के लिए हमने 2 कप पानी लिया है, इसे हम बॉईल होने देंगे, फिर हम जेली पाउडर को इसमें डाल देंगे। तो चलिए पहले इसको बॉईल होने देते हैं। चलिए, हमारा पानी देखिए उबलना शुरू हो चुका है। अब इसमें हम जेली पाउडर डालते हैं। मैं सब पहले ग्रीन वाली जेली बना रही हूँ, तो हम जेली पाउडर डाल देते हैं सारा और चमचे की मदद से इसे हिला लेते हैं। ये हमने 2 कप पानी में जेली बनाई है। तो जी, पाउडर डालने के बाद हम इसे तकरीबन 1-1.5 मिनट पकाएंगे और बस, फिर इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो चलिए, हमारी जेली बनके तैयार हो चुकी है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो जी, जेली निकाल लेते हैं। आप इस तरह का कोई बॉक्स या प्लेट, गहरा बर्तन हो कोई, उसमें आप निकाल दें ताकि इसके अच्छे से क्यूब्स बने जब इसको हम कटिंग करें। तो हमने अब इसे निकाल लिया है। अब इसे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो आप चेक कर लीजिएगा जमी है कि नहीं। तो इसी तरह ही हम रेड वाली जेली भी बना लेते हैं। चलिए, दूध हमारा देखिए बॉइल हो चुका है। तो जेली भी हमने दोनों बना ली हैं और उसे ठंडा होने के लिए हमने रख दिया है। तो अब हम आते हैं फालूदा बनाने की तरफ। तो ये दूध उबल गया है, अब इसमें हम फालूदा डाल देंगे, रबड़ी फालूदा, और साथ साथ चमचा हिलाते जाएंगे। और इसे अब हमने तकरीबन 15 मिनट पकाना है, 10 से 15 मिनट हाई टू मीडियम फ्लेम पर। और थोड़ा सा इसे हमने थिक करना है, थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। वैसे तो इसमें सब चीजें मौजूद होती हैं, ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं और हर चीज इसमें होती है। तो आप अगर इसमें एक्स्ट्रा कुछ डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और चलिए, अब इसे पकने देते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं जब ये पकेगा। तो जी चलिए, ये देखिए पक गया है, हमारा फालूदा रेडी हो चुका है। हमें इसे पकाते हुए 15 से 16 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसे हम अच्छे से फ्रीजर में ठंडा करेंगे। हमने ठंडा अच्छे से करना है ताकि इसमें हमें बर्फ की जरूरत ना पड़े। आप चाहें तो बर्फ डाल भी सकते हैं। तो चलिए, इसे ठंडा कर लेते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो जी देखिए, हमारा कस्टर्ड अच्छे से ठंडा हो चुका है और थोड़ा सा थिक भी हो गया है। हमने इसे सही ठंडा कर लिया है। अब चलिए, इसे ग्लास में निकालते सर्व करते हैं। आप किसी भी ग्लास में या आइसक्रीम बाउल किसी में भी सर्व कर लें, तो हम आपको दोनों में करके दिखाते हैं। तो चलिए, गार्निशिंग कर लेते हैं फालूदे की। सबसे पहले हम डालेंगे रेड जेली दोनों में, और इसके बाद हम डालेंगे कस्टर्ड। दोनों में डालेंगे। चलिए, थोड़ा थोड़ा हमने कस्टर्ड डाल लिया है। अब बारी है ग्रीन जेली की, अब वो डाल देंगे इसमें। जो
ग्रीन और रेड के अलावा आप और भी कोई फ्लेवर यूज कर सकते हैं जो आपको या बच्चों को पसंद हो। अब हम ये डाल देंगे। चलिए अब फिर बारी है कस्टर्ड की, फिर थोड़ा सा कस्टर्ड डालेंगे। तो हमने कस्टर्ड दोबारा से डाल लिया है, अब दोबारा से इसके ऊपर हम डालेंगे रेड कलर की जेली दोनों में। और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा इस पे कस्टर्ड दोबारा से डालेंगे लाइट सा। बस हमने अब इतना डालना है। अब इसमें हम आइसक्रीम डालते हैं। तो चलिए अब बारी है आइसक्रीम की, आइसक्रीम हम डालते हैं। मैंने यहाँ वनीला फ्लेवर लिया है, आप चाहें तो अपना मनपसंद कोई सा भी ले सकते हैं। इस तरह हमने क्यूब्स में कट कर लिया है आइसक्रीम को। चीज डाल देते हैं, तो चलिए लास्ट में हम फिर इस पे जेली डाल देते हैं और थोड़ी सी ग्रीन। चलिए जी अब थोड़े से हम बादाम ऊपर रख देंगे। और इस पर भी। तो चलिए जी हमारा मजेदार सा फलूदा बनकर तैयार हो चुका है। देखिए बहुत ही अच्छा बनता है। तो अगर वीडियो को पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।